स्माइल फाउंडेशन खुंडिया ने चंगर क्षेत्र के सलिहार गांव में एक जरूरतमंद परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाकर 11,000 की राशि प्रदान की है। परिवार के मुखिया बलवंत सिंह की एक माह पहले ही बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी और परिवार में उनके अलावा कोई भी कमाने वाला नहीं है। बलवंत सिंह दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, पर उनकी मृत्यु से घर में मातम का माहौल छा गया है। परिवार में उनकी पत्नी सुमना देवी है और एक बेटी जो जमा दो की छात्रा है और उनका बेटा कक्षा 10वीं में पढ़ता है। दोनों बच्चे पढ़ने में काफी होशियार हैं, पर घर की माली हालत ठीक नहीं है। परिवार बीपीएल श्रेणी में आता है। जब स्माइल फाउंडेशन खुंडिया को इसके बारे में पता चला तो अपने काम के अनुरूप परिवार की 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता की और आगे भी हर पल इन्हें हर सहायता का आश्वासन दिया। स्माइल फाउंडेशन खुंडिया सदस्य अश्विनी राणा, मनु राणा, अंशुल, शुभम राणा, सुरेंद्र पाल सिंह, सुबेदार शक्ति चंद ने सलिहार प्रधान प्रशासन और सरकार से इस जरूरतमंद परिवार की सहायता करने का आग्रह किया है। नमस्कार, आज हम स्माइल फाउंडेशन खुंडिया की तरफ से खुंडिया तहसील के ही सलिहार गांव में आए हुए हैं। यहां पर श्री बलवंत सिंह जी का पैरालिसिस की वजह से उस समय पहले निधन हो गया था। वो मजदूरी वगैरह करके ही अपने घर परिवार का गुजारा चलाते थे। अब उनके घर में उनकी बूढ़ी माँ, उनकी धर्म पत्नी और दो बच्चे हैं। इस परिवार के पास आय का कोई भी साधन नहीं है। ये परिवार बीपीएल में आता है और इस समय केवल इनके पास रहने के लिए भी एक ही कमरा है, जो भी टूटा फूटा है। स्माइल फाउंडेशन खुंडिया को जब उनकी इस दरिद्र हालत का पता चला तो एक बार फिर स्माइल फाउंडेशन खुंडिया ने आगे बढ़कर 11,000 रुपए देकर इस परिवार की आर्थिक मदद की है। साथ ही मेरा इस समय सलियार पंचायत के नए चुने गए प्रधान श्री लवनीश नाथ जी से निवेदन है कि इस परिवार के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने का प्रबंध किया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार की तरफ से जो भी कोई भी सुविधाएं इस परिवार को दी जा सकती हैं, वो उन्हें दिलवाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।